हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं फिर आई हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने के लिए। तो आज का व्लॉग होगा, हम वापस जाएंगे अपने घर, यानी मैं अपने वापस ससुराल जाऊँगी एंड शिवान जाएगा अपनी दादी के घर। क्यों, मैं वैसे रहने के लिए तो एक हफ्ता आई थी, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ताई सास एंड ताऊ ससुर जो हैं वो गांव से इससे मिलने के लिए आ रहे हैं। भाई की शादी का रिसेप्शन भी था जिसमें 10 लोग अलाउड हो गए थे बीच में कोरोना की वजह से, तो उनको नहीं बुलाया था, तो अब रिसेप्शन दिया तो वो रिसेप्शन पे आ रहे हैं और इससे भी मिलने आएंगे। तो इसीलिए इस चक्कर में मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं यहाँ एक हफ़्ता रहने के लिए आई थी। बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक हफ़्ता रुकूंगी, बट वो भी बार बार नहीं आएंगे गांव से क्योंकि दूर है। पास में होते तो हम ये बोलते कि आप बाद में आ जाना, बट वो गांव रहते हैं तो वो बार बार नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वो कल या परसों में आएंगे, मंगलवार या बुधवार को शायद। तो इसीलिए अब शादी भी निपट चुकी है जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, अब हमें वापस जाना होगा। तो अभी मॉर्निंग हो रही है, अभी हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, अब जाना अभी नहीं है, शाम को जाएंगे, लेकिन जाना तो है। दिन कब बीत जाता पता भी नहीं चलता। तो आज का व्लॉग है कि हम वापस घर जा रहे हैं, इस बारे में है। तो चलिए पहले मैं हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, नहा धो के थोड़ा रेडी वेडी हो जाते हैं, देन मैं आपको बाकी सबसे मिलवाऊंगी। सो गाइस, आई एम रेडी, बस बाल नहीं बनाया क्योंकि अभी जाना नहीं है, तो थोड़ा रेडी होकर तैयार हैं हम। पहले ये मैंने पहना है सूट, सलवार सूट, हम रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने बाल नहीं बनाया क्योंकि अभी टाइम है चाचा को आने में, तो मेरे चाचा जो हैं वो हमें छोड़ देंगे, वो गाड़ी लेके कहीं काम से जा रहे हैं आनंद विहार साइड, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। तो अभी इसलिए हमने बाल नहीं बनाए, जब वो आएंगे मैं तब बाल बना लूँगी। तो अभी अब मैं फ़िलहाल रेडी हूँ, मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं एंड छोटू को अभी रेडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा कपड़ों में रोने लग जाता है, बाहर जाने के लिए तो उसको कपड़े पहनाने ही पड़ेंगे। तो अभी थोड़ी देर में उसको रेडी करेंगे जब मेरे चाचा आ जाएंगे। सो ये भी रेडी हो गए हैं, देखो इनको जाने की जल्दी है क्योंकि ये अपने घर जा रहे हैं। मुझे मेरे मायके से तो मेरा मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। वो देखो कैमरे का फोबिया, वो मेरी चाची अंदर चली गई, सबको कैमरे का फोबिया है, मेरे मायके में तो ज़्यादा ही है, बस एक मेरी मम्मी को छोड़ के मेरी मम्मी कर देती है हाय गाइस। तो मिलते हैं, चाचा आ जाएंगे जब। ओ हम सब रेडी हो चुके हैं, मैंने बाल बाल बना लिए, मम्मी शिवांश को रेडी कर रही है, मम्मी मेरे छुटकू को रेडी कर रही है, शिवांश बस अब वो रेडी हो जाए तो हम भी चलते हैं अपने घर, चलिए इसे रेडी कर देते हैं जल्दी से। देखो उसकी नानी के लिए कपड़े लेके आई हूँ, जो ने वो पहने। ए मेरा हीरो, मेरी हीरो, मुझे भूख लगी तो मैं सिर्फ पीट करा लेती हूँ। बैठो बैठो बैठो, चल बैठो 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 बाबू बैठो।
गाड़ी का टायर डाल रही है। नमस्ते करके आ रहे थे। चल ठीक है वापस आ जाएंगे वापस। चलो जाओ उसका ध्यान रखना बाबू को। कोई बात नहीं मम्मी के क्या मम्मी को भी ले जाओ मम्मी को भी लगा चलो मम्मी को लगा ऐसे पकड़ बाबू को नीचे उतर कर पापा तो आ जाएंगे भी आ जा हम पहुंच चुके हैं। मम्मी ने छोटे को पकड़ लिया। ये निकाल रहे सामान। चिड़ियाओं की आवाज कितनी आ रही है। पेड़ पे चिड़ियाएं बैठी है बहुत सारी। चाबी भी दे देना चाचा को। पापा ले गए आधा सामान। मम्मी उसको ले गई छोटू को। पेड़ ले जा रहे हैं सामान। और चिड़ियाओं की आवाज़ इतनी आ रही है। देखिए पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया बैठती है शाम के टाइम पे। इस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर चिड़िया। तो ये चाचा गए मेरे एंड हम भी अब अपने घर जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ऊपर। क्या अंधेरा होता है हमेशा जीने में पता नहीं क्यों इधर से ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ से यहाँ से हमारी शक्लें दिखने लग जाती हैं आपको वहाँ से नहीं दिखती। हम जा रहे हैं ऊपर पहुँचने वाले। बस मैं मम्मी पापा के पैर छूँ अभी मैं भी छूँगी ऊपर से जाए पहले थकान लगे। पहुंच गया घर ऊपर देख रहा मैं आ गया। पहुंच गया नमस्ते कौन बोलेगा बोलो भाभी नमस्ते। अच्छा मैं बोली भाभी नमस्ते बोल भाई नमस्ते बोल। अरे नमस्ते अपने को नहीं कहते। हाँ 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 किसको बोलते परायों को। सो गाइस हम फाइनली घर पहुंच गए घर पे। शिवांग दादा दादी के साथ है। अब हम करते हैं कपड़े चेंज क्योंकि सूट साट पहनने की आदत छूट गई है। पहले तो पहनती थी मैं पर अब छूट गई आदत थोड़ी तो अनकंफर्टेबल होता है। बट इसमें नहीं लग रहा क्योंकि मैंने सलवार वाला सिला है। पैंट वाले भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बट फिर भी चेंज कर लेते हैं। सूट वूट तो इधर उधर जाने के लिए ठीक है। घर में तो खुला आराम से चौड़ में सलवार टी शर्ट में रहो एंड अब चेंज वगैरह करना कपड़े। तो ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ। आई होप आपको एक ब्लॉग हमारा पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।